नमस्कार, मेरे YouTube चैनल केसी त्रिपाठी कल्चर एंड आर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच पहुंची हैं डॉक्टर माधुरी बर्थवाल, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रामनगर नैनीताल शहर में आप पहुंची हैं। रामनगर नैनीताल का जो एकमात्र प्रतिष्ठित संगीत का संस्थान है, स्वर साधना संगीत समिति, जिसके अध्यक्ष श्री हीला वल्लभ पाठक जी हैं, जिसके निदेशक मोहन पाठक जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो कार्यशाला से थोड़े से फुर्सत निकाल के हम मैडम के पास पहुँचे हैं। तो मैडम को तो वैसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार मिला है, पद्मश्री आपको मिला हुआ है, राष्ट्रपति सम्मान में नारी शक्ति पुरस्कार भी 2018 में आपको मिला है, उत्तराखंड रत्न 2014 में मिला है, उत्तराखंड भूषण 2018 में मिला है, अल्मोड़ा में स्वर्गीय मोहन उप्रेति लोक संस्कृति का सम्मान से आप सम्मानित हैं, गोल्डन अचीवर्स सम्मान आपको 21-22 में मिला। मैडम आपको हार्दिक बधाई और भविष्य हेतु शुभकामनाएँ, हम आपके बच्चों की तरह हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ आपका पर्वती सभा लखनपुर में और स्वर साधना संगीत समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपका साक्षात्कार प्रारंभ किया जाए इससे पहले मैं सोचता हूँ, आप लोक कला के विशेषज्ञ हैं उत्तराखंड के, तो कुछ गुनगुना के इसका प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ जो है जो देवभूमि के रहने वाले हैं हम लोग, तो देवभूमि जो है देवताओं का ही उसमें गुणगान हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ में, तो उसमें मांगल दो गीत शुरुआत में गाया जाता है और उसमें जौ जस देना कोरी का गणेश है, रूपम देवी जयम देवी यशो देवी किशो जयी, वही उसका वो होता है जो कम काल कल्पना कामना होती है, यही कामना होती है। तो और ये जो है हिमवंत, हिमवंत देश भी कहलाता था गढ़वाल, पौराणिक नाम है हिमवंत देश। तो यहाँ के जो राजा थे वो राजा हिमंत, उसमें मतलब हिमवंत न कह गए, लोग शैली में उसको हिमंत राजा बोलते, तो वो है राजा हिमंत झम्मकोर, राजा हिमंत झम्मको तेरी बाई गावरा, झम्मको तेरी बाई गावरा, झम्मको बीमण्या वे जाई, झम्मको बीमण्या वे जाई, झम्मको गोरा को मांगण्या, झम्मको गोरा को मांगण्या, झम्मको कह दे सको राजा, झम्मको कैलाश को राजा, झम्मको। तो देखिए इसमें जो है आम जनता है उनको क्या पता कैलाश कौन सा राज्य है, कौन सा राजा है, उनको तो ये है कि राजा की लड़की है तो उसका पति भी राजा ही होगा, है ना। तो आम जनता पूछ रही है हिमंत राजा की लड़की अब गौरा जो है ब्याहने लायक हो गई है तो कौन से देश के राजा होंगे, अरे कैलाश के राजा है, ऐसे उनमें संवाद। ऐसे सदे हुए सुरों से आपने गाया, अगर आपको उत्तराखंड की स्वर को किला कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आप जो है आपने बताया आप लैंसडाउन में संगीत अध्यापिका भी रही, जी जी जी। तो संगीत अध्यापिका का थोड़ा सा सूक्ष्म उसके बारे में आप बताएंगी। संगीत अध्यापिका तो ये है कि जो पौराणिक पहले हमारे समाज में जो विकृतियाँ थी, इस गाना बजाना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता था, तो वो रूढ़िवादी परंपरा को मैंने सकारात्मक रूप से तोड़ करके और फिर उसमें एक रास्ता दिखाया बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए खास करके। और वो संगीत गाना बजाना अच्छा नहीं माना जाता था उस जमाने में, तो मेरे लिए भी माना। आपने बताया अभी कि आप उत्तराखंड की प्रथम संगीत अध्यापिका थी। जी हाँ, महिला प्रथम संगीत महिला अध्यापिका थी। हाँ जी, तो तब जो है उस जमाने में महिला को मतलब इतना ज़्यादा छूट नहीं थी, पर मैंने उसमें छुप करके
वो लोग वो सीखा मैंने क्लासिकल म्यूजिक, और उसके बाद अपनी ही स्कूल में मैं संगीत अध्यापिका के रूप में आई। संगीत अध्यापिका के साथ ही सफर करते करते आप आकाशवाणी कलाकार भी रही, और प्रथम महिला आकाशवाणी कलाकार आपने बताया संगीतकार। अच्छा संगीतकार, हाँ म्यूजिक कंपोजर थी ना वहाँ पर। अच्छा प्रथम महिला आकाशवाणी संगीतकार आप रही। तो तब जो है फिर ये है, तब उस समय जो है अपने कार्यक्रमों के साथ साथ तो उसमें लोक संगीत भी उसमें आता है ना, सुगम संगीत शास्त्रीय संगीत तो रिकॉर्डिंग करती ही थी मैं, लेकिन लोक संगीत में मेरा ज़्यादा रुझान क्योंकि मैं चाहती थी कि पूरा हमारा जो गढ़वाल कुमाऊँ जौनसार का जो हमारा रुहेलखंड का लोकगीत वो उनको सब मैं प्रिजर्व करूँ, तो मेरे को बचपन से ही वो शौक था। मतलब तो यही मेरा प्रश्न था कि जो शास्त्रीय संगीत ठीक से जान लेता है समझ लेता है तो वो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के प्रयास करता है और एक ख्याति प्राप्त करके देशों में विदेशों में अपने प्रोग्राम देना शुरू करता है, लेकिन आपने लोक गीतों को चुना जो कि एक हमारी उत्तराखंड का कल्चर था परम्परा है, तो इसी को चुनने का कोई विशेष कारण आपका रहा हो? देखिए विशेष कारण ये था कि लोग जो है ना, लोग तो लोग हैं, अपने लिए जी तो क्या जिए, मेरे को मैंने जो है गीत भी लिखे, मैंने बहुत सारे गीत भी लिखे, लेकिन मैंने कभी उनको ऐसे मतलब को नहीं करा कि मैंने लिखा मैंने गाया, ये नहीं था। मेरा एक ही लक्ष्य था कि एक तो अपना काम करना जो मेरे को सौंपा गया है संगीतकार के रूप में उसको मैंने किया, लेकिन आदत थी 4 बजे से और रात के 12 बजे तक काम करने, वो आदत पड़ी थी। तो उसमें तो मेरे लिए सबसे बड़ा कठिन काम मेरे लिए खाना और सोना। तो उत्तराखंड की जो लोक विधाएं हैं ना जैसे, तो आप गढ़वाल की मूलतः रहने वाली हैं, कुमाऊं में भी आपकी अच्छी पकड़ है, तो जैसे हमारा झोड़ा है, नवेली है, चपेली है, जागर है, या फिर और क्या क्या विधाएं हैं, तो वो धीरे धीरे मुझे जो लग रहा है बचपन में हम खूब सुनते थे, धीरे धीरे वो कम हो रही हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं, ऐसे में बचाए रखने के लिए कई लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं जिसकी आपकी जो है सराहनीय उसमें भूमिका है, तो ये लोक विधाएं हमारी बच्ची कैसे रहेंगी कुमाऊँ की गढ़वाल की जौनसार द्वाबर की या उत्तराखंड की ना मूलतः, तो विधाएं जो विलुप्त की कगार पर जा रही हैं तो विलुप्ति से इनको कैसे बचाया जा सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि जो हमारे घर में जो बच्चे हैं हमारे यहाँ तो उनसे हम अपनी भाषा में बात करें, है ना, जब हमारा जो है घर से ही सुधारा जाता है किसी भी विकृति को हम अपने घर से ही सुधार सकते हैं, और सबसे बड़ी उसकी वो कौन होती है, माँ। माँ के चारों ओर बच्चे घूमते हैं तो तब वो कुछ सीखते हैं। अब देखिए कि मैंने जो है जब मैं देहरादून गई तो आकाशवाणी मैं सोचती थी हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया है, बहुत मैं सारे कुमाऊँ में भी घूमी, गढ़वाल में भी परमात्मा की कृपा से सारा घूमी मैं, जौनसार में पूरे रुहेलखंड में घूमी मैं, तो वहाँ का लोक संगीत मैंने प्रिजर्व करवाया आकाशवाणी नजीबाबाद में, हज़ारों लोकगीत वहाँ पर संरक्षित हुए, है ना, तो इस तरह से था। लेकिन जब मैं देहरादून आई तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर शादी ब्याह हो रहा है और वहाँ पर ऊट पटांग गीत बज रहे हैं, तेरा मचोई गाढ़ो की केले खा ले अब खा माछा, तेरा तेरा आदमी मर गया नदी में डूब करके अब तू मच्छी खा, तो मतलब ये आप शगुनी गाने बजाने चाहिए क्या? नहीं बजाने चाहिए शादी ब्याह में तो कम से कम, है ना, अपने अपने मनोरंजन के लिए तुम भी बजाओ लेकिन शादी ब्याह में नहीं होना चाहिए, है ना, आंचरियों के लोग गीत बज रहे हैं तो वो नहीं बजने चाहिए शादी ब्याह में, शुभ कार्यों में भाई कम से कम मांगल नहीं गवा रहे तो कम से कम ऐसे उत्पटांग गीत तो मत गवाओ, है ना, अतृप्त आत्माओं के गीत मत गवाओ, है ना, वो अपने दूसरे तरीके से गा लो उनको अपने मनोरंजन के लिए लेकिन इस तरह से नहीं, है ना। तब मैं जब वहाँ पर आई तो फिर मैंने जो है आम महिलाओं को, क्योंकि माँ जो होती है ना घर की धुरी होती है, जब वो माँ घर में बैठी हुई है उसके लिए बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी कि जो बेचारी अकेली बैठ रहती थी घर में, कुछ नहीं है, आदमी अपने सर्विस पे चले गए, बच्चे पढ़ने चले गए, वो अकेली बैठी हुई घर में, तो उनको भी फिर मैंने अपने घर में बुलाया, उनके पति लोग जब उनको पता लगा कि दीदी आ गई, यहाँ मेरे सब दीदी बोलते हैं पूरे उसमें,
तो दीदी बहुत बढ़िया शब्द है, माँ के बाद दीदी का ही नंबर आता है, तो सब मेरे को दीदी बोलते थे, दीदी इसको भी संभालो, इसको भी जरा सिखा दो। तो उनको सिखाया होगा सुबह से शाम तक मैंने, और उसके बाद जब वो अपने घर में आटा गूंद रही है तो मांगल गा रही है वो, तो बच्चे सुन रहे हैं कि माँ इसका मतलब क्या होता है, तुम क्या गा रही हो, तो वो भी सुनेंगे तो उनके दिमाग में भी कुछ आएगा। तो ये भी है, घर से ही कोई भी शुभ काम हम घर से ही शुरू करते हैं। हाँ, जैसा काम हो रहा है उसकी परिस्थिति के अनुसार गीत हों न कि उसके विपरीत हों। बिल्कुल। तो एक प्रश्न मेरा ये था, हमारा जो कुमाऊं गढ़वाल या जौनसारी संगीत है तो ये बहुत रिच है, बहुत समृद्ध है, लेकिन जो हमारे अन्य प्रांतों के लोकगीत हैं, जैसे हम पंजाब को ले लें, पंजाब का लोकगीत जो है पूरे भारतवर्ष में गाया जाता है, बजाया जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, ऐसी भोजपुरी है, तो हमारी कुमाऊनी गढ़वाली या जौनसारी संस्कृति का उतना प्रसार क्यों नहीं हो पाया जितना पंजाबी का, भोजपुरी का, राजस्थानी का, इन गीतों का होता है? देखिए, इसके लिए जो होता है इसको हमको सबको मिलकर चलना पड़ेगा। जब हम मिलकर चलेंगे और अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे तभी तो लोग समझेंगे। जब हमको खुद ही नहीं आता उसके बारे में तो हम क्या बोलेंगे? आज दुनिया को यही नहीं पता कि लोकगीत क्या होता है ना, अपने ऊट पटांग गीत लिख रहे हैं और उसको बोल रहे हैं लोकगीत। और ये जो है सोशल मीडिया में भी जैसे जिसने बोला फिर उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं लोग, उनको पता ही नहीं है कि क्या है। कुछ कारण ये है कि पलायन का कारण भी है, पलायन में अच्छे काम के लिए भी गए हैं जैसे लोग, तो वो भी बेचारे वो कितना दिन करेंगे। लेकिन और घर में जो है जो लोग रहते हैं, पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर भेज दिया, तो तब क्या हुआ कि वो जब बाहर चले गए तो फिर वो तो भूल गए फिर अपनी संस्कृति को। तो इस तरह से जो है जब हम अपनी संस्कृति को सामने रखेंगे तभी तो कोई उसको जानेगा। और वैसे हम उत्तराखंड के जो लोग हैं स्वयं ही दोषी हैं। हाँ, स्वयं अपने बच्चों को हम जो अपनी लोक भाषा है कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी या जो भी मातृभाषा है उसको न सिखा के जो पढ़ाई की भाषा है हिंदी इंग्लिश या इस तरह की भाषाएं बचपन से ही सिखाने लगते हैं और अपनी भाषा को थोड़ा सा हेय दृष्टि से देखते हैं, तो ये हमें पहले दूर करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो है सबसे पहले उनको अपनी मूल को ही देखना चाहिए। अगर उनका मूल नहीं है तो उनकी अब पहचान ही नहीं है, फिर तो विरोध न रहे इधर के न रहे उधर के, भूल गया जो संस्कार वो जीवन खरा नहीं रहता, और जड़ से अगर जुदा हो गया तो पत्ता हरा नहीं रहता। ये पुरुषोत्तम गुनोर जी के दो शब्द हैं, दो पंक्तियां हैं, ये हमेशा मेरे दिमाग में रहती हैं कि जब हमने अपना मूल भूल गए तो हमारी कोई पहचान नहीं हो सकती। अब देखिए कि संगीत जो है ना उसकी कोई सीमा रेखा नहीं होती। अब हमारे यहाँ जो ये लोकगीत है तो जैसे पंजाबी है, जैसे बारह बरसी खटन गया सी घट के लिए आंदा आटा, अरे ए रे बुढ़िया ढक्के सो डाकर जादी ढक्के सो लून ले आदी ढक्के सो लोगों का नौना ढक्के सो लार पहना ची ढक्के सो, ये भी तो वही है तो वही, पर हमने कभी उसको उजागर नहीं करा, है ना। तो कमी किस में है? हम में है ना। तो अगर अब ये देखिए कि जैसे पाठक भाई ने यहाँ पर इतना बढ़िया ये कार्यशाला करी है सकारात्मक रूप में, तो क्या और नहीं कर सकते? और भी कर सकते हैं। और जब जगह जगह ऐसा होगा तो वो फिर लौटेंगे। एक ये कहावत है कि अगर तुम टहनियों टहनियों में चले जाओगे पेड़ के तो आओगे तो तुम जड़ में ही भाई आना पड़ेगा तुम्हें, है ना। और अब थोड़ा थोड़ा नई पीढ़ी को मैं देख रही हूँ वो अपनी तरफ मुड़ रहे हैं। जो बीच वाली पीढ़ी थी ना वो है दोस्त। तो आप तो संगीतकार भी हैं, गायिका भी हैं और रचनाकार भी हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे आप जो गाने हैं उनकी थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन स्थाई बीच बीच में गाते रहें। तो अभी आपने कहा मैंने सिखाया मंगल गीत या ये, तो एक लाइन आप गुनगुना दीजिए किसी मंगल गीत की। अब जैसे मंगल लोक गीत है तो ये इनका नाम है पुष्पा दुग्लान, ये मेरी शिष्या ही है ना, शिष्या है मेरी, तो ये गाएं तो ज्यादा अच्छा है, तब पता लगेगा कि क्या सीखा है ना। जरा तुम गाओ, तुम गाओ जरा ग्वाले ग्वाले शागुन वाले
वाला बाल शगुन बाल तेरा हूँ या होई का गणेश शगुन शगुन वाचन है, शगुन वाचन है, ये मांगल दो गीतों में आता है। और ऐसे मैंने और मैं आपका पिछले इंटरव्यू भी पिछली कार्यशालाओं के वीडियो कुछ पाठक जी ने भेजे थे, मैंने देखे, मुझे लगा कि जो हमारे कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी जो भी लोकगीत हैं तो उनमें जो तालों की महत्ता है वो आपने बताई थी, और विशेषकर थोड़ा सा संगीत में शौक है मुझे भी, बाकी जानता तो क्या हूँ, तो शौक में जैसे हमारे कुछ गाने दीपचंडी में चलते हैं तो क्लासिकल भी चलते हैं और इधर ये लोकगीत भी चलते हैं, कुछ दादरा में चलते हैं, कुछ कहरवा में चलते हैं, तो शास्त्रीय संगीत से इस लोक संगीत की तालों को मैं अब कैसे जोड़ा जाए इस विषय पर आप कुछ प्रकाश डालेंगी तो अच्छा रहेगा। देखिए हमारी जो लोक संस्कृति है हमारी उत्तराखंड की, उत्तराखंड बोलूँगी मैं क्योंकि उत्तराखंड की लोक संस्कृति अगर बचेगी तो ऐसे ही हर क्षेत्र के लोक संस्कृति को अगर लोग बचाएंगे तो भारत विश्व लेवल पर सबसे आगे होगा, है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी यहाँ जो लोक संस्कृति हमारे लोकगीत हैं जो बहुत समृद्ध है, भाषा की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, उसमें शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से हर निकष पर वो बहुत मजबूत है। तो अब ये देखिए कि लोकगीत है ये, इसको बोलते हैं चांचरी, चांचरी तो कुमाऊं में बोलते हैं और गढ़वाल में भी थोड़ा सा, क्योंकि अपनी अपनी भाषा है, हर 3 किलोमीटर पर भाषा और पानी बदल जाता है, है ना, तो वो बहुरंगी हो जाता है आयाम उसका, तो उसको उसको गढ़वाल में चांचड़ी बोलते हैं और वही जो है थड़िया भी कहलाता है, और उसी को थोड़ा सा आहा लग गया उसमें तो वो जोड़ा भी हो जाता है, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे लोकगीत हैं। अब देखिए ये बिल्कुल ठेठ जो है जहाँ भगवान शंकर का निवास है वहाँ पर ये लोकगीत गाया जाता था बहुत पहले, और सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले, तो उसमें है रे मासी को फूला हरी कुंजा, रे मासी को फूला हरी कुंजा, कै मैना मौला लो हरी कुंजा, कै मैना मौला लो हरी कुंजा। कितनी मात्रा में? 11 मात्रा। तो रुद्र ताल है इसमें, अब वही रुद्र भगवान को भी अर्पित है कि किस देवता को पसंद है ये मासी का फूल की भगवान शंकर को, और हरि कुंज में ये पाया जाता है जहाँ भगवान का निवास है। और वही लोग ही जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं दूसरे क्षेत्र में आ जाते हैं थोड़ा नीचे उतर के, तो रे मासी को फूला कबीला सा, रे मासी को फूला कबीला सा, कै मैना मौला लो कबीला सा, कै मैना मौला लो कबीला सा। एक मात्रा बढ़ गई 12 मात्रा हो गई। तो इसमें इसमें आप दादरा ताली बजा बजा सकते हो 3-2 छह मात्रा की, और वो हो जो है इसमें 4 ताल भी बज सकती है, 12 मात्रा की 1 ताल भी बज सकती है, क्यों इतना बढ़िया है। और वही लोग ये जब थोड़ा हम नीचे आ जाते हैं, फूला कबीलास रे मासी को फूला कबीलास, कै मैना मौला लो फूला कबीलास।
है ना, तो इसमें इसमें जो है तीन चक्र है ना, इसमें जो है थोड़ा ये लचक वाला है, इसलिए जो है इसमें तीव्रता भी बच सकती है ना। इसमें बचाने के लिए तो हम इसमें रूपक भी बजा सकते हैं, पर रूपक में वो बात नहीं है, रूपक में चलन अलग, चलन अलग इसलिए है ना। तो ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं। अब हमारा जौन सार का लोकगीत है उसको रहा, उसमें गहरवा गहरवा बज रही है उसमें, लेकिन उसका चलन दूसरा है। वही है, ऐसा है, समृद्ध तो काफी है हमारा उत्तराखंड का लोकगीत, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की कमी रह गई है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो ईश्वर ने मुझे जो है तो वो दिया, क्या क्या दिया, ये लॉकडाउन मेरे को दिया उन्होंने ईश्वर ने, तो मैं तो उसको कभी बुरा नहीं मानती। और मेरे लिए जो है उस समय सब अकेले अकेले बैठे रहते थे, जैसे नरेंद्र सिंह नेगी हैं यहाँ कुमाऊं में, गोपाल बाबू गोस्वामी रहे हैं, तो ये लोग तो गायक अच्छे थे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में आपका जो सक्रिय भूमिका है या सराहनीय भूमिका है, तो उसके उस पर आप कुछ और प्रकाश डालेंगे। तो मैंने जो है ना, मैंने जो है शास्त्रीय संगीत के निकष पर ही मैंने अपनी PhD करी, तो उसमें शास्त्रीय संगीत के निकष पर उसके तराजू में तोल करके अपने लोकगीतों को और बताया कि इस राग की उत्पत्ति इस लोकगीत से हुई, क्योंकि राग रागनियां बाद में हुई, लोकगीत पहले, लोकगीत पहले। तो मैं ये चाहूंगा कि आप किसी राग की तुलना, मतलब शास्त्रीय राग की लोकगीत से एक दो राग ऐसे बताएं जिनकी तुलना हो पाती है। अब जैसे मेरे श्रोता, हमारे श्रोता जैसे है, भाना ये रंगीली भाना दूर है जा बांझ कटाना, अब ये देख कितना बढ़िया है ना। तो ये जो है राग दुर्गा, अब इसे दसारे मागा सारे ने धसा धारे तो का सार बिना बे डुया की मुदगी मु खैयो ला बिना बे डुया की मुदगी, कितना बढ़िया है ना। सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम तेरी बाबी भी फातिमा सलाम वालेकुम, ये हमारा सहजवाली है, सहजवाली है, जागर गाथाओं में आता है, सहजवाली है, और ये विलुप्त तो हो चुका है, और ये इसमें वृंदावन निसार है ना, निसार निसार निसा नी नी पा नी नी पा मा पा मा मा रे मा मा रे सा निसा रे रे मा मा पा पा नी नी सा सारे सा नी पा नी पा मा रे मा पा मा रे मा रे सा निसा रे मा पा नी सलाम वालेकुम, ये ना बोलियो ठीक है। अब उसमें जो है जिया गुना गीणा जिया ढोल बाजे सारे गा पा सा गा पगर सा भोपाली राग है ना। और क्या काना छोड़ी वो दुनिया तू छोड़ लो दापा दू स्वर, तो वही थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लग रहे हैं, तो इसको पहाड़ी राग बनाया गया, मंद्र सप्तक में भी लगता है, बारह स्वर भी लगा सकते हैं, ऐसे सदाबहार राग है ना। अब देखिए देखो क्या रग की कूल ग्याई टूटी रग की कूल ग्याई टूटी, बैरव राग बताओ कोई कमी है क्या इतने बढ़िया भाई। डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है ना, डॉक्यूमेंटेशन मैंने करा है इसमें। और सबसे बड़ी चीज है जब ये राजशास्त्रीय संगीत को भातखंडे जी और परुष्कर जी ने जब उनको स्वरलिपिबद्ध करा तो वो अमर हो गए, वो भी तो मौखिक परंपरा थी, वही परंपरा को मैंने संरक्षित किया। और मैंने लॉकडाउन में जो है 15 किताबें लिखी, कोई 400 पेज 500 पेज ऐसी किताबें मैंने लिखी स्वरलिपि सही, हजारों हजारों लोकगीतों की स्वरलिपि मैंने करी। जो है पूरा उत्तराखंड समाज आपका हृदय से आभारी रहेगा। वास्तव में मैं कई दिनों से व्यक्तिगत भी सोचता था कि डॉक्यूमेंटेशन की कमी है हमारी चीज़ों में, हमारे लोग चीज़ों में, तो
बस बस अब ऐसे ही सोचती हूँ कि अब ये है कि मेरे को जब मांगल की किताब छपवानी थी तो मैं क्या करती, मेरे पास इतना तनख्वाह तो मेरी, वो पेंशन तो मेरे को इतनी थी नहीं, क्योंकि मैं किसी बच्चे से पैसा नहीं लेती, मैं अपना खर्चा अपने आप चलाती ना। तो मैंने जो है फिर वो लिया, बैंक से लोन लिया 1,70,000 रुपये का, और तब मैंने वो किताब छपवाई। अगर वो किताब स्कूलों में लग जाए और सारे स्कूलों में लग जाए वो किताबें, तो संरक्षित अपने आप होगा, बच्चे पढ़ना चाहेंगे, सब जो संगीत अध्यापक हैं वो उनमें स्वरलिपि से उसकी धुन भी ले आएंगे। प्रतियां लाई हैं उसकी? नहीं, यहाँ पर तो नहीं ला पाई ना। तो काफी समय ले लिया आपका। अंत में चाहूंगा एक जो आपको खुद सुंदर लगता हो कोई लोकगीत, तो हमारे दर्शकों के लिए, चैनल के श्रोताओं के लिए कुछ गुनगुना दीजिए। अब जो है मुझे तो जो है जब मेरे पे मेरे को छठी क्लास में थी मैं, और उस समय मैंने जो है ये लोक नृत्य करा था, और उसी में जो है उसके बाद मेरे को मना कर दिया गया था कि गाना नहीं है स्टेज पर, तो कितना कितना मेरे को आघात लगा होगा उसका। वो मेरे को हमेशा याद रहता है और मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। और वो भी देखती हूँ कि वो पार भीड़ की बसंती चोरी, रुमा झूमा ओ धान तेरी, ये मूंगा की माला झूमा झूमा। फिल्म वालों ने ले ली इसकी धुन, बोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा के यहाँ। अब देखिए हमारे लोकगीतों की धुन फिल्म वालों ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, कहाँ से कहाँ उन्होंने हमको मतलब समृद्ध रचनाओं को, हमारी हमारे जो लोग रचनाएं हैं लोकगीत हैं उनको कहाँ से कहाँ उन्होंने विश्व लेवल पर पहुँचा दिया, और हम उसको भूल गए। तो हमारा हम इसका पाप तो पाप के भागी तो हम ही हैं ना उसके, है ना। हमारा अपना कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, मैं खुद अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, ऐसे सबको अपना दायित्व तो निभाना चाहिए। और वो लोकगीत मैं कभी नहीं भूल सकती कि भूली गए छो तेड़ा नरेड़ा, गुच्छ तो मैणा का कुआ बासण बैगो बैणा मेरी बैणा, ऐ गुच्छ तो मैणा कसी छाई जुली मेरी, लागी छो नाराई कशी सुरमाई भैंसी मुणगी चातुरी कैसी, मुणगी चातुरी कैसी मालुशाई देना न रहना, है कुछ तो मैणा। मैं तो बहुत भावुक हो जाती हूँ। मेरे आपने अपनी पूरी संघर्ष की गाथा सुनाई, वास्तव में इस तरह का संघर्ष करके स्ट्रगल करके हमको इस पद पर आपको पद्मश्री मिला, तो पद्मश्री देखने में या आपका इस समय जो स्टेटस है वो देखने में सबको सरल लगता है, लेकिन जो आपने शुरू से अब तक की यात्रा के संघर्ष आपने बताए, आपकी आंखों में तो आंसू आ ही रहे हैं, हम भी द्रवित हो रहे हैं उस बात को देख के। तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता। तो साथियों, हमारे साथ थी डॉक्टर माधुरी वर्थवाल, जो कार्यशाला के लिए रामनगर में स्वर साधना संगीत समिति के द्वारा बुलाई गई थी, पर्वती सभा लखनपुर में आयोजन हो रहा है। इसी तरह की इंटरव्यू, संगीत की चीज़ें, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल संगीत, रामलीला, होली इत्यादि देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके मन में जो विचार आ रहे हों अपने कमेंट्स हमें दें। धन्यवाद। नमस्कार।